अगर आपने नोएडा ग्रेटर नोएडा में घर बुक कराया है तो नए साल में आप अपने नए घर में हो सकते हैं। बिल्डरों के संगठन क्रेडाई का सर्वे बताता है कि 6 महीने में 1 लाख लोगों को घर की डिलीवरी कर दी जाएगी। लंबे अरसे बाद लेट लतीफी से परेशान नोएडा ग्रेटर नोएडा के बायर्स के लिए अच्छी खबर आई है। क्रेडाई के सर्वे के मुताबिक 31 मार्च 2017 से पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा के करीब 45,000 यूनिट्स का पजेशन दे दिया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स में पजेशन मिलने की उम्मीद है वो है सुपरटेक, गौरसंस, एरोस ग्रुप और पंचशील। कहा जा रहा है कि सुपरटेक 10,000 फ्लैट, पंचशील 3,000, निराला एस्टेट करीब 2,000, चेरी काउंटी करीब 1,800 और अरिहंत करीब 1,500 फ्लैट्स का पजेशन देने जा रहा है। जो प्रोजेक्ट वहाँ पे है नाम है एरोस संपूर्ण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। उसके दो फेजेज अभी खोले हैं, 4 फेजेज हैं। जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो इस साल ही कर रहे हैं, जो 2016 में। अब 1768 अपार्टमेंट्स हैं और टाइमली डिलीवरी होगी जो प्रॉमिस किया गया है हमारे बायर्स को, इन्वेस्टर्स को। हालांकि बायर्स को क्रेडाई के सर्वे पर भरोसा नहीं है। बायर्स का कहना है कि डेवलपर अब सरकारी दबाव से बचने के लिए इस तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ये क्रेडाई ने ये अच्छा कदम तो उठाया है, लेकिन इस कदम के साथ अगर वो ये कदम भी उठाते कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने क्लब प्रॉमिस किया था, जो आपने ग्रीन एरिया प्रॉमिस किया था, जो आपने बच्चों के लिए प्ले एरिया प्रॉमिस किया था, वो सब भी साथ में कंप्लीट करके दे। लेकिन आप ये सोचो ना कि केवल पजेशन देना ही मकसद नहीं होना चाहिए। जानकारों की माने तो पजेशन में जल्दी के पीछे सुप्रीम कोर्ट की फटकार हो सकती है। हाल ही में यूनिटेक, सुपरटेक और पार्श्वनाथ डेवलपर्स को सुप्रीम कोर्ट ने पजेशन में देरी के लिए झाड़ लगाई थी। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। देश में पहली बार कचरे से सड़क बनाने की तैयारी पूरी।